सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। मोक्षदायिनी गंगा की लहरों में इंसानों की लाशें ही नहीं, इंसानियत भी डूब उतरा रही है। न जाने ये कौन बदनसीब थे जिन्हें मौत के बाद ना तो कफन नसीब हुआ, ना ही इनका अंतिम संस्कार हो पाया। चील, कौवे और श्वान इनकी लाशों को नोच नोच कर खाते रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक मां गंगा की लहरों में न जाने कितनी लाशें इसी तरह बहा दी गईं। मेरे पीछे की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। जो बुरी स्मेल होती है वो भी बहुत ज्यादा है। और गाजीपुर मैं यहां पहुंचा हूं, इसी घाट के आसपास इलाके हैं जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक के बाद एक शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही शव मिले प्रशासन में हड़कंप मचा। अब जितने भी शव मिल रहे हैं उन्हें आखिरी विदाई जरूर दी जा रही है, वो सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी 2-3 शव यहाँ से बरामद हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है घाट बनारस से लेकर के मालदा तक, पश्चिम बंगाल तक, इस गंगा के किनारे न जाने ऐसे कितने शहर बसे हैं और कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये शव कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं, क्यों इन्हें छोड़ दिया गया। कई लोगों का ये कहना है कि लकड़ियों की किल्लत हुई इसलिए जला लोग इन्हें जला नहीं पाए। अब प्रशासन की यहाँ कम से कम गाजीपुर में ये कोशिश है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को कहा जाए कि प्रशासन मदद करेगा, लकड़ियों का अभाव नहीं होगा, लोग शवों को गंगा में न बहाएं। और इसीलिए आज तक की टीम, मैं, मेरे कैमरामैन संजय कुमार, गाजीपुर से लेकर बक्सर तक इस गंगा में यात्रा करेंगे और आखिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तट के किनारे बसे इतने बड़े शहरों में लोगों की क्या मजबूरी है जो वो अपनों के शवों को गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं, उन्हें आखिरी विदाई भी नहीं देते। गाजीपुर में जो हालात है उन्हें देखकर स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। एक तो बीमारी के संक्रमण का डर, ऊपर से पानी पर तैरती लाशें एक डरावने सपने से कम नहीं है। लगभग कुछ 20-25 को शव था। ये कब आए थे? कुछ गड़ाया, कुछ गल गया तो इस पर लगा दिए। क्या डाला गया इनके ऊपर? ये चूना उना उसका क्या केमिकल है लगाया गया है। कब डाला गया भैया? ये दो तीन दिन पहले। कौन आया था करने? ये सब साहब लोग आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सब 2-4 गो पत्रकार लोग आए थे, मैंने देखे तभी ये लोग न तो चूना उना डाल। हाँ, न तो ये तो एकदम दमकता था, ऐसे समझ लीजिए बदबू थी। तो बाकी बॉडीज कहाँ ले? बॉडी तो उस नाई है ना, वो नाई देख रहे हैं ना। हाँ। उस पार में गड़ा है कुछ 20-25 को, कल दबा दिया गया। कल परसों में दबाया गया, बाकी तो अभी गल गया था तो ऐसे हो गया। कितने दिनों से देख रहे हैं आप लोग अपने गाँव के? समझ लीजिए 15 दिन का लगभग हो गया। और ये लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है, लाइन लगा था। किसी को लकड़ी नहीं मिलता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई मजबूरन बिक देता है। तो आप लोग को डर लग रहा था जब ये सब हुआ? देखते तो कोई आता नहीं, इधर आता नहीं था, समझ लीजिए। अभी भी नहीं आ रहा कोई? अभी कोई नहीं, एकदम इतना सुन सपाटा है गाँव न तो, दरिया पर आदमी 20-25 नौ रोज नहाता था, सिर्फ नहाने वाला कोई नहीं आता है। गाजीपुर के घाटों पर मुनादी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना जलाए लाशों को गंगा में प्रवाहित ना करें क्योंकि इससे महामारी फैल सकती है। लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित ना करें। गाजीपुर के गहमर घाट पर प्रशासन को मंगलवार की दोपहर 3 लाशें तैरती हुई मिली। पुलिस ने लाशों को निकलवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। तीन शव मिले हुए हैं और हम और प्रशासन के साथ मिलके उनका अंत्येष्टि की जा रही है और इसके साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोई भी शव जो है नदी में प्रवाहित ना करें। हम लोग यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं
कि अगर कोई व्यक्ति लकड़ी के अभाव में दाह संस्कार करने में असफल है तो हम शासकीय सहायता उसे प्रदान की जा रही है और उसका दाह संस्कार सुनिश्चित कराया जा रहा है। गंगा की लहरों में लाशों के तैरने की खबरें सुर्खियों में छाई तो प्रशासन भी जाग गया। आनन फानन में जिले के डीएम और एसपी गहमर घाट पर पहुंच गए। तो 10 तारीख को बिहार बक्सर की तरफ से ये सूचना दी गई थी, फिर उनके ऑफिसर आए यहाँ और ज्वाइंट विजिट भी हुई और ज्वाइंट विजिट के दौरान कोई डेड बॉडी मिली नहीं। यहाँ पता चला कि शायद बक्सर में मिली थी और चौसा में मिली थी और जब उन लोगों ने ये सूचना दी तो फिर हम लोग भी अपनी टीमों को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट तो पहले से भी थी बट जब उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया तो हम लोग और भी चौकन्ने हो गए और लगातार पेट्रोलिंग करा रहे हैं। कितनी बॉडीज हर दिन मिल रही हैं? नहीं, ऐसी कोई डेड बॉडीज की संख्या नहीं है बट हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं अंत्येष्टि में कोई समस्या किसी को न रहे। गंगा किनारे फिर से शव मिलने की खबर पाकर स्थानीय विधायक सुनीता सिंह भी घाट पर मुआयना करने पहुंची। आज तक ने जब बहते शवों पर सवाल पूछा तो वो बताने लगी कि हवा के रुख से लाशें इधर पहुंच गईं। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है, पूरी महकमा लगा हुआ है इस पे, कार्रवाई 3 दिन से कंटिन्यू पूरे जिले से। अभी देखिए एसपी डीएम साहब भी आए हैं और इस डीएम से लेके सारी महकमा लगी हुई है। तो ये कुछ ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, ये नेचुरल है, लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है ये कोई विषय नहीं है, मतलब ये तो प्रयागराज से भी लोग छोड़ रहे हैं। कुछ मान्यता है कि लोग ऐसे ही प्रवाह कर देते हैं जल प्रवाह, तो हम लोग सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि गंगा को शुद्ध रखना है तो ये जल प्रवाह वगैरह रोकें। और वही लाशें हैं जो यहाँ आके किनारे लग जाती हैं, कटान है चूंकि, तो हवा का रुख जिधर जाता है उधर रुक जाती है। गाजीपुर में गंगा में बहाई गई लाशें इतनी बुरी दशा में थी कि तमाम लाशों को तो केमिकल डालकर डिकम्पोज कर दिया गया। गाजीपुर में गंगा किनारे घाटों पर स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल सिर्फ विचलित ही नहीं बल्कि डरावनी भी है और ये अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर स्थिति इतनी भयानक होगी। जैसे मैं इलाकों पर निकल रहा हूँ, एक के बाद एक शव यहाँ पर पहुंचे हैं जिसको जलाया नहीं जा सका, उसको डीकम्पोज करने के लिए उसके ऊपर केमिकल तक डाल दिया गया है। तो गंगा जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है। उस गंगा किनारे गाजीपुर से आगे जब हम गमहर पहुंचते हैं, दरअसल यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा शव देखे गए थे और आपने ग्रामीणों को सुना कि आखिर स्थिति कैसी है। आप तट के किनारे चले जाएं, लाशों को या तो डीकम्पोज किया गया है या फिर वो सड़ती अवस्था में मिलेंगी। जो निकल पाई उन्हें दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ ले जाकर के दफना दिया गया। कुछ का अंत, ये कोशिश की गई है कि कम से कम अंत्येष्टि हो जाए, उनको अंतिम संस्कार हो जाए और जो शव डीकम्पोज हो रहे हैं उन्हें दबा दिया जाए ताकि दूसरा संक्रमण का खतरा यहाँ खड़ा ना हो पाए। ये तस्वीरें वाकई डरावनी है। आज तक की टीम ने गाजीपुर से लेकर बक्सर तक नाव में सवार होकर दिल दहला देने वाले इस मंजर को करीब से देखा। ऐसी तस्वीरें दिखी जिन्हें हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते, एक एक तस्वीर विचलित करने वाली है। हम गाजीपुर के गहमर गांव से लेकर के बक्सर के नरबतपुर तक सफर करेंगे इस नाव में गंगा के ऊपर। गाजीपुर का ये जो घाट है यहाँ पर शव मिलने शुरू हुए थे और बक्सर का वो नरबतपुर इलाका है जहाँ पर शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसको लेकर के ग्रामीण इलाकों में खौफ है लेकिन जो मंजर देखा है शायद वो आधी तस्वीर है, मामला इससे ज्यादा गंभीर है। गंगा की धारा में नाव पर सवार आज तक की टीम बक्सर की ओर बढ़ी। गाजीपुर में जो दिखा वो तो बस इस तबाही की एक झलक थी। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हमें दिखाई पड़ी। यकीन मानिए कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूँ इस नाव पर और गंगा किनारे शव जो हैं वो आप गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जहाँ हम गुजर रहे हैं ये पहचानना भी मुश्किल है कि वो किसी महिला का शव है या किसी पुरुष का है, लेकिन घाट के जितने किनारे हैं ये पुराने हो चुके हैं, फूल चुके हैं, इनमें पानी भर चुका है और लहर के साथ साथ ये लाशें जो हैं एक किनारे से इन घाटों पर पड़ी हैं, इनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने जितने शवों की अंत्येष्टि की है
वो तो सिर्फ इस तबाही की एक ट्रेलर है। असली भयानक तस्वीरें गंगा किनारे गाजीपुर से लेके बक्सर के बीच में दिखाई पड़ती हैं। ये जितने किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो मैं यहाँ हड्डियों का कंकाल देख पाता हूँ, या फिर इसके अलावा जो शव हैं जिन्हें 2-4-5 दिनों में प्रवाहित किया गया होगा, जिन्होंने इनके अपनों ने मुखाग्नि तक नहीं दी, वो फूल चुके हैं और पानी पर तैरने लगे हैं। कई शवों को हालांकि पत्थर बांधकर फेंका गया, रेत के बोरे डाले गए, लेकिन जहां पर गंगा में कर्व है, जहां पर लहर बाहर तेज निकली, तेज हवाएं चली, ऐसे में उन शवों को किनारा मिल गया और वो तैरते हुए किनारे पर आ गए। गहमर से लेकर पंचमुखी घाट से आगे नाव जब गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ी तो तमाम शव हमें गंगा किनारे तैरते हुए मिले। ये शव इतने विभत्स स्थिति में थे जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पहचानना मुश्किल है कि ये शव किसी महिला के हैं या किसी पुरुष के। कहीं एक साथ दो शव पड़े हैं तो कहीं तीन। अभी तक बिहार की सीमा भी नहीं आई। गाजीपुर जिले के इलाके में ही नदी के दोनों किनारों पर तैरती लाशों की गिनती मुमकिन नहीं है। गहमर से पंचमुखी घाट होते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। काफी दूर आगे जाने पर बिहार की सीमा शुरू होती है, लेकिन अब हम नदी के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। एक हिस्से की तस्वीरें आपने देखी, कितना डरावना मंजर है ये समझा जा सकता है। ये जो तस्वीरें हैं वो दरअसल विचलित करने वाली हैं। अब आपको नदी के दूसरे हिस्से की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर भी आपको पानी के ऊपर वैसा ही मंजर दिखाई पड़ता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंजर तो कुछ भी नहीं। चार दिन पहले तो गंगा की लहरों में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। रात का फायदा उठाकर लोग शवों का बिना अंतिम संस्कार किए गंगा में प्रवाहित कर देते रहे। इतने शवों को अपनी लहरों में ढोती गंगा का पावन जल तो अब आचमन लायक भी नहीं बचा है। वास्तविक स्थिति यह है सर कि नाइट के समय में जो बाहरी इलाके के लोग हैं वो एक तो रात का फायदा उठा रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। अभी DM साहब ने आदेश किया है 2-3 दिन पहले, तो उससे काफी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। 2-4 दिन पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। जितने शव हम देख पा रहे हैं इनकी तो गिनती भी मुश्किल है। अभी आप 4 दिन पहले आते तो और आप नहीं देख पाते, ये तो काफी 4 दिन पहले उन्होंने आदेश किया, उस हिसाब से काफी सफाई हुई है। हम लोग का रहना यहाँ दुश्वार हो गया। जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान है, सांस लेना मुश्किल काम हो गया है। और गंगा का पानी पवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए, क्या ये गंगा अभी समय उतनी पवित्र रह गई है? इस समय तो नहीं है, इस समय हम भी मानते हैं, हम लोग तो जीवन ही, हम लोग का यहीं पैदा हुए। जो पानी आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो पानी गंगा का नहीं है। आज तक की टीम नाव पर चलती रही और कैमरे के सामने भयानक तस्वीरें दिखाई देती रही।